इस वर्ष होली 25 मार्च सोमवार को मनाई जाएगी, इसलिए 24 मार्च को होलिका दहन किया जाएगा और 25 मार्च को रंग खेला जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन शुक्ल पक्ष पूर्णिमा को होलिका जलाई जाती है और अगले दिन होली यानी रंगों के त्योहार मनाया जाता है। इस वर्ष होली के दिन वर्ष का पहला चंद्र ग्रहण लगने वाला है। हालांकि भारत में ये चंद्र ग्रहण दिखाई नहीं देगा, लेकिन जब भी इस प्रकार की कोई खगोलीय घटना होती है तो उसका प्रभाव सारे ब्रह्मांड पर पड़ता है, वहीं सभी राशियों पर भी कहीं ना कहीं इसका प्रभाव पड़ेगा। होली का यह पर्व 25 मार्च को होने जा रहा है, उसके पूर्व 24 मार्च के दिन होलिका का दहन होगा। हमारे संपूर्ण देश में और समस्त हिंदू धर्म को मानने वाले सनातन धर्मावलंबी जो हैं, वह पूर्ण जोश के साथ और तन्मयता के साथ होली का यह जो रंग बिरंगा त्यौहार है, इस त्यौहार को मनाते हैं। इस त्यौहार को मनाने से आपसी प्रेम बढ़ता है, सौहार्द बढ़ता है, नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और उसके साथ सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है, एक बात। दूसरी बात, कुछ स्थानों पर चंद्र ग्रहण की चर्चा भी हुई है, तो भारत में होली के दिन किसी प्रकार का कोई चंद्र ग्रहण नहीं है और यह जो चंद्र ग्रहण है दृश्य पर्व है, जहां दिखाई देता है वहीं मान्य है, तो भारत में इस प्रकार का कोई चंद्र ग्रहण होली के दिन पड़ने नहीं जा रहा है। हिंदू धर्म से जुड़ी धार्मिक किंवदंतियों के अनुसार होली के ठीक 8 दिन पहले तमाम तरह के शुभ कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश, यज्ञ हवन, मुंडन संस्कार और अन्य कई प्रकार के शुभ काम वर्जित माने जाते हैं। इन 8 दिनों को होलाष्टक के नाम से जाना जाता है, मगर बहुत कम लोग जानते हैं कि होलाष्टक देश के कुछ क्षेत्र में ही माना जाता है। तो आइए जानते हैं कहां होलाष्टक मनाया जाता है और कहां नहीं। होली के 8 दिन पूर्व होलाष्टक लगता है। होलाष्टक में ऐसी मान्यता है कि मांगलिक कर्म जो है वो नहीं किए जाते, विवाह, गृह प्रवेश, यज्ञ इत्यादि कर्म, प्रतिष्ठा इत्यादि कर्म होलाष्टक में नहीं किए जाते हैं, ऐसी मान्यता है। पर शास्त्रों के अनुसार पंजाब का क्षेत्र, यहाँ सतलज, चिनाब इत्यादि जो 5 नदियां हैं, उस 5 नदियों से घिरे हुए क्षेत्र में ही होलाष्टक मान्य रहता है, बाकी देश के अन्य क्षेत्रों में होलाष्टक की कोई मान्यता नहीं है, ऐसा हमारे शास्त्रों में वर्णन है। और यदि होलाष्टक को लोग मानते भी हैं तो जो घरेलू कार्यों के जो सामान वगैरह रहते हैं, नित्य के जो कार्य के जो सामान वगैरह रहते हैं, इनको खरीदने इत्यादि में किसी प्रकार का दोष नहीं रहता है, इन सब कार्यों को किया जा सकता है। पंचांग के मुताबिक 24 मार्च को सुबह से भद्रा काल लग जाएगी। इस दिन भद्रा का प्रारंभ सुबह 09:54 से हो रही है, जो रात 11:13 तक रहेगी। इस तरह से भद्रा काल की समाप्ति के बाद ही होलिका दहन किया जा सकता है। प्रातः काल 9:56 से रात को 11:12 तक भद्रा रहेगी। भद्रा जब पृथ्वी लोक में रहती है तो उसको शुभ नहीं माना गया है और भद्रा में विशेष रूप से होलिका दहन को भी वर्जित कहा गया है। भद्रा में होलिका का दहन नहीं करना चाहिए, इसलिए रात को 11:12 के बाद जब भद्रा समाप्त हो जाएगी तब 24 मार्च को होलिका का दहन करना शुभ रहेगा। होलिका जो है, भद्रा जो है, उसको सूर्य की पुत्री माना गया है, सूर्य की पुत्री है भद्रा और शनि के बहन है और वह अत्यंत क्रोधी स्वभाव की मानी गई है, इसलिए भद्रा से लोग बचते हैं और भद्रा का समय निकल जाने के पश्चात रात्रि में होलिका का दहन हमको करना चाहिए। 24 मार्च की सायंकाल भद्रा का समय समाप्त हो जाने के पश्चात होलिका का पूजन करें,